नमस्ते, ओके फोन डिवाइस के लिए अगस्त 2023 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ नया जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमने पोको एफ1 डिवाइस के ऊपर ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, SOSPOS 13 का बिल्ड है 5th अगस्त 2023 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ 4.9 कर्नल के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ सबसे पहले आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है जीएप्स प्लस वैनिला दोनों बिल्ड अवेलेबल है। हमने यहाँ पर जीएप्स बिल्ड को फ्लैश किया है एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ आपको प्योर एओएसपी रॉम का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इंस्टॉलेशन के साथ साथ इस रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पाओगे प्योर एओएसपी रॉम का एक्सपीरियंस है, एंड्रॉयड 13 का जो यूआई है देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में तो यहाँ पर वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, टॉर्च काम कर रहा है, यहाँ पर डार्क मोड भी काम कर जाएगा, प्लस 100 मोड का ऑप्शन है, बैटरी सेवर, वॉल्यूम पैनल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिलता है, प्लस पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पोको एफ1 डिवाइस के ऊपर आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। डेफिनेटली पोको एफ1 डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलता है। कुछ इस तरह से जो है पावर मेनू का जो यूआई है देने को मिलता है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में कुछ इस तरह से मिनिमल लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर जो है वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर का ऑप्शन है, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, थीम आइकन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, प्लस अपग्रेड का ऑप्शन है, पर आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड इस तरह से सभी जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है एफएम रेडियो का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफ़ी स्मूथ है, बढ़िया एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन है पर काम कर जाएगा, फॉल्टी काम कर रहा है, वो वाईफाई भी काम कर जाएगा एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 के साथ जो है स्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शायद यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, जो नाइट साइट का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड नहीं किया है, यहाँ पर हमने ये चीज़ जो है नोटिस किया है, नाइट साइट का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, प्लस जो एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड नहीं किया गया है। तो अभी फिलहाल इस अपडेट के साथ नाइट साइट एंड एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टेप के साथ फुल का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा। रिसेंटली जीकेएम 8.9 का जो लेटेस्ट बिल्ड है पोको एफ1 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। अब सिंपली जीकेएम गो का जो यहाँ पर गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जीकेएम गो भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड का ऑप्शन है एंड बाई डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन इसे भी ऐड किया गया है, इसके साथ भी आप फोटो एंड वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर इस रॉम के साथ आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हो। इस रॉम के साथ कोई भी मेजर इशू नहीं है, मेजर बग हमने यहाँ पर फेस नहीं किया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं, यहाँ पर जो है नेटवर्क के साथ भी कोई भी इशू नहीं है, कनेक्टिविटी के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, सरस बर्क पर बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो। एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, प्लस थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल के साथ जो इस तरह से इस जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर इस रॉम के साथ आपको बेटर ऑप्टिमाइज बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लगभग जो है यहाँ पर 6 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है एंड अगर आप एक हेवी यूजर हो तो आपको यहाँ पर 5 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स डिपेंड करता है आप कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो, यूजर टू यूजर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली हेवी यूजर हो तो लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। प्लस पोको एफ1 का जो डिवाइस है इसका जो बैटरी हेल्थ है थोड़ा सा कम है एंड काफी पुराना हो गया है डिवाइस, इसलिए कम हमें यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको किस तरह से बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है पर SIM 1 एंड SIM 2 के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट करने का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन, नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। इस तरह से सभी जो
फीचर से पर ऐड किया गया है। पर इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर साउंड इनहाइजर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। ना पर बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में, हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था, तो यहाँ पर जो है 3DMark के साथ वाइल्ड लैब के साथ 1917 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है पोको F1 डिवाइस के साथ। एंड गिगबेंच 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ जो है 417, मल्टी कोर के साथ जो है 1436 का जो है स्कोर है देखने को मिल जाएगा। एंड एवरेज स्कोर देख सकते हो तो कुछ इस तरह से है सिंगल कोर के साथ, एंड मल्टी कोर का स्कोर भी देख पाओगे। तो यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलता है। यहाँ पर गिगबेंच 6.1.0 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 432, मल्टी कोर के साथ 1299 का स्कोर है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेपनेट जो है पास हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर जो है हमने टेस्ट किया था फेल्ड दिखा रहा है, और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार भी यहाँ पर जो फेल्ड दिखा रहा है। एंड लगभग जो है 5 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने रन किया था, मैक्स गया है 137, एवरेज 108, मिनिमम है 99। यहाँ पर 77% का जो सीपीयू थ्रॉटल देखने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है 1.84 GHz तक। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है नाउ ब्लिंक का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम करता है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन, ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर IR फेस अनलॉक का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। अगर बात करें पर IR फेस अनलॉक के बारे में, तो यहाँ पर IR फेस अनलॉक भी काम करते हैं, काफी फास्ट डिवाइस जो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर लोकेशन के साथ भी कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड सिस्टम के साथ जो है पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, OT अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर 2-बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 3-बटन नेविगेशन गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है, 1-हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस तरह से नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर एडवांस्ड रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली पर पावर मेनू से रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम UI को रिबूट कर पाओगे इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप ऑन सर्विस बार, डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप जो है जरूर से चेकआउट करके देख सकते हो। ना अभी फिलहाल बात कर लेते हैं SOSP OS 13 को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा पोको F1 डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। आपके डिवाइस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। नेक्स्ट आपके डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, या पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी हो जाए, TRRP रिकवरी हो जाए, और ऐसे भी रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SOSP OS का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा फोन को स्विच ऑफ करने के बाद। एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट को ऐड किया गया है, तो जल्दी से रिकवरी को बूट करते हैं। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी जो बूट हो गया है, यहाँ पर हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद जो है एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे, ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो है स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगते हैं। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर जो इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। एंड यहाँ पर GApps एंड वेलना दोनों बिल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर
अगर आप जी एप्स बिल्ड को फ्लैश करते हो, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा, तो यहाँ पर विद इन 5 मिनट एजरा में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद 3 डॉट में टैप करके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है उसमें टैप करना होगा। उसके बाद रॉम बूट होने के बाद रॉम को जो है सेटअप करना होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।